पोस्टल बैलेट के बारे में जानते हो क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद पोस्टल बैलेट। क्यों, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? नहीं, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन मुझे अभी प्रोविजन इसके याद नहीं आ रहे। अच्छा, लेकिन मुझे तो याद है क्योंकि मैंने सीए इंटर में मोहित सर से क्लास ली थी, और जो भी मोहित सर से पढ़ता है उसे हमेशा याद रहता है। ऐसी बात है तो चलो मुझे पूरा प्रोविजन एक बार फिर से रिकॉल करवा दो। पोस्टल बैलेट मतलब कि हम फिजिकल मीटिंग नहीं करेंगे, उसके बजाय एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सेंड करेंगे टू ऑल द मेंबर्स, गिविंग देम 30 डेज टाइम टू रिप्लाई बैक विद देयर असेंट और डिसेंट थ्रू पोस्ट और कुरियर और ईमेल। तो क्या सारे मैटर पोस्टल बैलेट से डिस्कस होंगे? ऐसे तो फिर मीटिंग होगी ही नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अ कंपनी मे डिस्कस एनी मैटर बाय पोस्टल बैलेट, लेकिन 10 मैटर्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है उनको कंपलसरी है कि वो पोस्टल बैलेट से ही डिस्कस होना चाहिए फॉर एवरी कंपनी। फर्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड सिटी, टाउन और विलेज। सेकेंड, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 13। थर्ड, चेंज इन द ऑब्जेक्ट विच वॉज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस टू रेज द मनी एंड सच मनी इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड अंडर सेक्शन 13। फोर्थ, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इंटू प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 14। फिफ्थ, इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स अंडर सेक्शन 43। सिक्स्थ, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स अंडर सेक्शन 48। सेवेंथ, बायबैक अंडर सेक्शन 68। एट्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151। नाइन्थ, सेल ऑफ अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 180। एंड 10th, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी बियॉन्ड सीलिंग लिमिट अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 3। सो दीज वर द 10 मैटर्स विच कंपनी शैल डिस्कस बाय पोस्टल बैलेट। हाँ मैं समझ गया, ये 10 मैटर जो पोस्टल बैलेट से डिस्कस होंगे, बाकी सारे मैटर मीटिंग में डिस्कस होंगे। अरे नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनी कंपनी मे डिस्कस एनी मैटर बाय पोस्टल बैलेट, मतलब कंपनी कोई भी मैटर पोस्टल बैलेट से डिस्कस कर सकती है, लेकिन ये 10 मैटर कंपलसरी पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा। और हाँ एक बात और, 2 मैटर्स ऐसे भी हैं जिसको पोस्टल बैलेट से डिस्कस नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। अच्छा वो 2 मैटर कौन से हैं? नंबर 1, द मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड नंबर 2, मैटर्स इन विच ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू बी हियर्ड। दीज 2 मैटर्स कांट बी डिस्कस बाय पोस्टल बैलेट। अच्छा मुझे सब कुछ समझ आ गया, बस एक लास्ट क्वेश्चन था, क्या पोस्टल बैलेट सभी कंपनियों पे एप्लीकेबल होगा? नहीं, पोस्टल बैलेट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी एंड कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर्स। थैंक यू मुझे पोस्टल बैलेट के सारे प्रोविजन रिकॉल करवाने के लिए।